पंचायत समिति के परिसर में पुरातन कालीन कवट का पेड़ समय रहते बारिश के कारण गिर गया, तब बड़े प्रमाण में पक्षियां अधिवास है और अभी पक्षियों का प्रजनन का समय रहते 2 महीने की अवधि तक पेड़ डालियां नहीं काटे जाए मांग पर्यावरण प्रेमी द्वारा की गई थी। इसके लिए पंचायत समिति के BDO द्वारा सभी बातों को मान लिया गया था, तब उसकी दखल नहीं लेने से आहत हुए पर्यावरण प्रेमी द्वारा आंदोलन का इशारा दिया गया। हेंगरघाट शहर के पंचायत समिति के परिसर में कवट का पेड़ भारी बारिश के मौसम के रहते ढह गया। संबंधित पेड़ पे पक्षियों का बड़े प्रमाण में अधिवास था और अभी का समय पक्षी के प्रजनन का समय रहता है। पर्यावरण प्रेमी ने 2 महीने तक इस पेड़ को नहीं काटा जाए इस प्रकार का आग्रह किया था, तब सभी बातों की रजामंदी हुई। इसके बाद भी पक्षियों की दिक्कत नहीं समझते हुए अमानवीय कृत्य पंचायत समिति के परिसर में शुरू है, तब आज पर्यावरण प्रेमी द्वारा संबंधित घटना को देखते हुए संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले 48 घंटे में आंदोलन का इशारा दिया है। कवठाचं जे झाड आहे ज्यावर सर्वाधिक रानपाखरांची घरटी होतात ते झाड पावसामुळे पडल्याच्या नंतर येथील BDO साहेबांची आम्ही भेट घेतली, त्यांना कळवलं की या झाडावर पक्ष्यांची घरटी आहे, आताही शेकडो पक्ष्यांची घरटी या झाडावर आहे, ह्या घरट्यावर बच्चांचं प्रजनन पूर्ण होतपर्यंत या झाडाला तुम्ही कोणत्याही प्रकारची इजा करू नका, कापू नका किंवा हे झाड इथून हटवण्याचा प्रयत्न करू नका। यावर BDO साहेबांनी आम्हाला शब्द दिला की जोपर्यंत या पक्ष्यांचं प्रजनन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही या झाडाला काहीही करणार नाही, परंतु 2-3 दिवसाच्या नंतर कोणालाही न कळवता यांत्रिक मशीनच्या सहाय्याने या झाडाची कटिंग करण्यात आली, हे खोडं कापण्यात आले आणि एवढ्यावरच ते थांबले नाही। बेसन देव से हेंगन घाट के लिए रवि येरोडकर की रिपोर्ट।